नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ध्यान से देखिएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो कैसे अपलोड करना है कैसे टैग डालना है कैसे डिस्क्रिप्शन डालना है सारा कुछ इस वीडियो में दिखाऊँगा और उसके साथ ही थंबनेल कैसे लगाना है शॉर्ट वीडियो में वो भी इस वीडियो में आपको दिखेगा दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कहीं पे स्किप मत करिएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो बड़ा नहीं करते स्टार्ट करते स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा यार जो लोग के चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोले क्योंकि कंटिन्यूअस ऐसा ही वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है तो चलिए वीडियो बड़ा नहीं करते स्टार्ट करते और आपको दिखाते हैं किस तरीके से शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है करने का सही तरीका है वो आपको दिखाते तो सबसे पहले आपको क्या करना अपने चैनल पर चले जाना आपको अपना साथ सेकेंड से कम का कोई सा भी आपको शॉर्ट वीडियो बना लेना है जो भी बना लेना है वो बना लीजिए आप बनाने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर चले जाना है दोस्तों अब ये यूट्यूब चैनल पर चला गया मेरे पास एक बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ तो ये प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों इस यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड पर चले जाना है ऐड पे जाने के बाद ये कोई सा भी वीडियो एक इसमें से उठा लेना जो भी शॉर्ट मैं एक उठा लेता लेना ये वीडियो लेने के बाद इसको डन कर देना है ये देखिए प्रोसेस हो रहा है दोस्तों प्रोसेस हो रहा है ये देखिए प्रोसेस है ये यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना थमले लगाना है ये पेंसिल का बटन है पेंसिल पे आपको जाना है पेंसिल पे जाने के बाद आपको जो भी अच्छा थमले लगे वो थमरेल आपको लगा देना चलिए मैं अपना थमरेल इस तरीके से लगा दिया थमले लगाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अपना देख रहे हैं टाइटल सबसे पहले कैसा वीडियो वो लिखना है तो मेरा फनी वीडियो तो मैं फ़नी वीडियो डाल देता हूँ फ़नी वीडियो आपका जिस तरीके का वीडियो होगा उस तरीके से आप अपना डाल दीजिएगा टाइटल पहले उसके बाद एक दो हैशटैग आपको लगाना जरूरी है जैसे वायरल हो गया हैशटैग के बाद तुरंत लिखना है स्पेस नहीं देना है दूसरा हैशटैग हो गया शॉर्ट ठीक है ये दो एक दो हैशटैग आपको डाल देना है हैशटैग डालने के बाद इसको अपलोड शॉर्ट्स में कर देना है ये अपलोड आपका ऑटोमेटिक हो रहा है अब यहाँ से अपलोड हो रहा है आपको दूसरी तरफ जाना है वाई टी स्टूडियो आपको डाउनलोड कर लेना है वाई टी स्टूडियो देख सकते हैं ये वाई टी स्टूडियो इसको आपको अपने अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है इसी तरीके से इसी पे आप सारा खेल कर सकते हैं अब देखिए उधर डाउनलोड हो रहा है अब यहाँ पे कंटेंट पे चले जाना डैशबोर्ड के बाद कंटेंट है कॉन्टेंट पर चले जाना है कॉन्टेंट पर चले जाने के बाद आपको ये शॉर्ट वीडियो में चले जाना है दोस्तों अब वो वीडियो अपलोड हो रहा होगा दोस्तों अपलोड आपका हो रहा होगा अभी दिखेगा इसमें देखते हैं ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है ना ये अपलोडिंग हो रहा है इसको क्या करना है ये तीन तीन डॉट है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको एडिट पे चले जाना दोस्तों एडिट पे जाने के बाद ये देखिए मैंने डाला है ना अब इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट ऑल कर लेना है कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको क्या करना ऐड डिस्क्रिप्शन में चले जाना है यहाँ पे जाने के बाद इसी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है जितना भी यहाँ पे हैशटैग लगाना चाहे ट्रेंडिंग जो भी हैशटैग लगाना चाहे यहाँ पे लगा देना है आपको फनी फनी हैज कॉमेडी कॉमेडी हैज जो भी हाइजैक यहाँ पर लगाना चाहे वो सब लगा दीजिएगा लगाने के बाद ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन अभी आपको एक टैग भी लगाना ये है ये देख सकते हैं नीचे शॉर्ट शॉर्ट रिमिक्स कैटगरी टैग शॉर्ट रिमिक्स कैटगरी यहाँ पर आपको टैग लगा देना है टैग में जैसे फ़नी वीडियो हो गया फ़नी वीडियो हो गया लगाने के लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है उसके बाद शॉर्ट्स हो गया ये लिख दिया उसके बाद इंटर कर देना है ये ऑटोमेटिक इस तरीके से लेगा उसके बाद आपको क्या करना है कॉमेडी हो गया फिर इंटर कर देना उसके बाद क्या हो गया ट्रेंडिंग हो गया ये ट्रेंडिंग हो गया उसके बाद आपको क्या करना है जो भी सारा यहाँ पे टैग लगा देना है टैग लगाने के बाद अपने चैनल का नाम भी ज़रूर लिख देना है ये अपने चैनल का नाम लिख दिया फिर ये कर दिया करने के बाद अब ये आपका बन के रेडी हो गया अब रेडी होने के बाद आपको क्या करना है पेंडिंग में चले जाना है यहाँ से पब्लिक का ऑप्शन करेंगे ये पब्लिक पे क्लिक किया अब ये सेव कर देंगे ये ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा दोस्तों तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से अगर आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो वीडियो आपको जरूर वायरल होगा और साथ में व्यूज़ भी आएंगे दोस्तों इसी तरीके से कभी भी अपलोड करिए टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल सब अलग अलग रहेगा दोस्तों तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा चैनल में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक हर हर महादेव